हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने रामशरण शर्मा की बुक से स्टार्ट की थी एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक फ्रेंड्स। तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10वां होगा। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, ठीक फ्रेंड्स। और जो ये 10वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास कि दक्षिण भारत में कौन कौन था। तो ये चोल थे, चालुक्य और पल्लव वंश, ठीक फ्रेंड्स। तो इन पर हमारा फोकस रहेगा पार्ट 10 में। तो अगर किसी ने वो 9 पार्ट ना देखे हों तो एंशेंट हिस्ट्री MCQ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक फ्रेंड्स। तो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास इसमें हम देख रहे हैं आज, प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसका या फिर किनका पेरिप्लस ऑफ द आर्थियन सी में दक्षिणापद के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय व्यापारों के रूप में उल्लेख मिलता है। तो बताइए किसका मिलता है। तो ये मिलता है प्रतिष्ठान और टगर का, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PCS लेवल के A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। अगर देखिए बैचोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और शीहल राजकुमार और उनकी पुत्री से विवाह किया था। शीहल ये श्रीलंका का पुराना नाम था, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर बताया श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और शीहल राजकुमार के साथ उनकी पुत्री के साथ विवाह किया था। तो ऐसा किया था कुलोत्तुंग प्रथम ने, ठीक फ्रेंड्स। हम रामशरण शर्मा की बुक प्राचीन भारत को हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, अब हम MCQ लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए चोल राजवंश, ठीक है। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के साथ नौसैनिक अभियान चलाया था। तो ये था राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ये A1 क्वालिटी का बंदा था और इसके फादर का नाम था राजराज प्रथम, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, और इसका लड़का था ये राजेंद्र प्रथम, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता था नौसेना किसके पास थी A1 क्वालिटी की, तो ये थी चोलों के पास, ठीक है। ये चोलों के पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। लेकिन क्वेश्चन UPSC में कई बार डीप में भी ये पूछा है कि जब चोलों के पास नौसेना थी तो बंगाल खाड़ी किसके पास थी, तो बंगाल की खाड़ी इन चोलों के एंट्री थी, ठीक फ्रेंड्स। जब तक इनका शासन चला तब तक पूरी बंगाल की खाड़ी पर इन्हीं का वर्चस्व रहा, इन्हीं का अधिकार रहा था, ठीक फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC का पूछा हुआ, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये राजेंद्र, ठीक फ्रेंड्स, सिलोन ये श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलिए व्यापारी चीन किसके कार्यकाल में भेजे गए, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम के काल में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंग नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये राजेंद्र प्रथम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, राजेंद्र ये A1 क्वालिटी का बंदा था, A1 क्वालिटी का, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। तो ये मैंने बता दिया बंगाल की खाड़ी इन चोलों के अंडर थी। और ये कौन लेकर आया था चोलों के अंडर, तो ये लेकर आया था राजेंद्र प्रथम, ठीक फ्रेंड। ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड। जब तक चोल राजाओं का शासन रहा तब तक बंगाल की खाड़ी इन चोलों के अंडर में थी, ठीक फ्रेंड। और चोलों के अंडर में भी कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आया था राजेंद्र प्रथम, ठीक फ्रेंड। आगे देखिए गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो ये राजेंद्र प्रथम ने की थी, ठीक फ्रेंड। ये A1 क्वालिटी का था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का विशेषकर चोल युग के साहित्यों में विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो यह था नटराज, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नटराज की प्रतिमा चोल काल से बिलोंग करती है और ये कांसे की बनी होती थी, ठीक है। ये देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो चोल काल का, ठीक है। ये मैंने बता दिया ये चोल काल से बिलोंग करती थी। आगे देखिए, ठीक है, शब्द और विवरण, तो यहाँ बताना है, ठीक है। यहाँ ये नीचे देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही सुमे लेता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। एरिपति, ठीक है, एरिपति क्या होता था, भूमि, ठीक है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ठीक है। एरिपति क्या होता था, तो भूमि, ठीक है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व, ठीक है, जिससे मिलने वाला टैक्स या फिर कर, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ठीक है। मतलब एरिपति ये होता था कि जो गांव में जो तालाब वगैरह होते हैं तो उनकी रखरखाव के लिए ये राजस्व इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। दूसरा देखिए तनियूर, ठीक है, तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम, ठीक है, तो इनको तनियूर नहीं कहते थे, ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए घटिका, ठीक है, घटिका प्राय मंदिरों के साथ समृद्ध विद्यालय होते थे, तो इनको कहते थे घटिका, ठीक फ्रेंड्स, मतलब मंदिरों के साथ जो समृद्ध विद्यालय होते थे उनको घटिका कहते थे। तो दूसरा गलत है और पहला तीसरा सही है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए पहला तीसरा हमारा आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए चोलों के अंतर्गत टटोली, ठीक है, चोलों के अंतर्गत टटोली कर
अदा करते थे, तो ये सुनार अदा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले सुनारों पर कौन सा कर लगता था, तो इन पर लगता था टटोली। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए हो गए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, चोल राज में नट, ठीक चोल राज में नाट बियो, ठीक चोल राज में नाट विनियोगम शब्द से क्या अभिप्राय है, तो ये नाडुओं के खर्च के लिए एक कर होता था। ठीक है, और नाडू क्या होता था ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, ठीक है, नाडू होता था जिला, ठीक है, जिला या प्रांत को नाडू कहते थे। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है डीप में एकदम, यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल का, एचसीएस लेवल का, ठीक है, तो आप पहले वो बुक पढ़ लीजिए, वो जो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है उस बुक की, और उसी बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। आगे देखिए, चोलों, ठीक है, चोलों के दिन ग्राम प्रशासन में बहुत सारे ब्यौरे किन शिलालेखों में मिले हैं और वे कहाँ हैं, तो ये उत्तर मेलर में मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, कुशल, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो ये चोल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है फ्रेंड्स, चोल शासन लगभग ग्रामीण सभ्यता के ऊपर डिपेंड था। आगे देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों में उच्चतम ग्राम प्रशासन था, तो ये देखिए मैंने बता दिया ये चोलों का था। ठीक है, एवन क्वालिटी का ग्राम प्रशासन था इनका, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चाहो ये चैनल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो ये चोल कर देते थे। ठीक है, यानी कि कोई राजा है, ठीक है, राजा का पुत्र राजा अपने शासनकाल में डिक्लेयर कर देगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र राजा बनेगा। ठीक है, चोल राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भागों तक फैला हुआ था। आगे देखिए, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। आगे देखिए, चोल शासक, ठीक है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो ये था टोटबरियम। ठीक है, टोटबरियम ये उद्यान यानी कि बाग बुक का प्रशासन का कार्य देखता होगा। ठीक है, बाग बगीचे इसके अंडर होंगे। आगे देखिए, जैसे कि आज के टाइम माली वगैरह होता है ना, तो ये उसी की बात कर रहा है। आगे देखिए, वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो ये मैंने बता दी एवन क्वालिटी की इनके पास नौसेना थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा बट आंसर वही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या पूछा था, ठीक है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तो ये चोल है। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये घुमा के पूछा हुआ बट आंसर वही है। आप यहाँ देखिए, प्राचीन भारत में वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ देख लिए क्वेश्चन की डेफिनेशन चेंज होगी बट आंसर वही है। ठीक है, समझ रहे हो गए आप। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा कीजिए और यहाँ तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ कर छोड़ दो और नीचे देखा ही नहीं क्या पूछा है, तो फिर गलत भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या कहता है, ठीक है, दूसरा नंबर कहता है, चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में शैलेंद्र राजवंश के विरुद्ध सैन्य अभियान करके उनके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। ठीक है, ये दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, कोलपम, ठीक है, कोलपम की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो ये पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच हुई थी कोलपम की लड़ाई। ठीक है, ये डीप में क्वेश्चन बना हुआ है एकदम। आगे देखिए, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध तोलकम का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है, तोलकम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, और यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कोलकम, ठीक है, कोलपम, ठीक है, कोलकम का युद्ध हुआ था चालुक्यों और चोलों के बीच। ठीक है, आगे देखिए, चोल साम्राज्य को अंत किसने समाप्त किया, तो ये मलिक काफूर ने। ठीक है, चोल साम्राज्य को किसने समाप्त कर दिया था, तो ये मलिक काफूर ने किया था, और ये 1000 दिनारी था। ठीक फ्रेंड्स, ये 1000 दिनारी था, इसको 1000 रुपये में खरीद के लाया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसने चोल राज्य को समाप्त कर दिया था मलिक काफूर ने, और ये पेशे से एक थर्ड जेंडर था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो ये था चालुक्यों का। ठीक फ्रेंड्स, चालुक्य जो राजा वगैरह थे, इन्होंने जैन धर्म इनके काल में ज़्यादा इनको प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब सही दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया करवाया गया था, तो ये था वीरूपाक्ष का मंदिर, बड़क्कल का वीरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप है। ठीक
यदि बात आप ठीक कई बार से ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम में सीधा डायरेक्ट है पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखना चालुक्य वंश का सबसे महान तो ये पुलकेशिन द्वितीय शासक था, ठीक है। सबसे महान आगे देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है तो वो कौन था, तो बताइए वो कौन था, तो वो था ह्वेनसांग, ठीक है। और ये ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। तो आगे देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा 33 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन के उच्च पद प्रदान किए गए थे, तो चालुक्यों ने महिलाओं को भी उच्च पद पर बिठाया था। आगे देखिए, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, तो चालुक्यों ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर क्या कहता है, 35 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने सशास्त्र में अनेक बौद्धों और जैन धर्मों को पराजित किया था तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया था, तो ऐसा किया था अप्पर ने, ठीक है। आगे देखिए, मत विलास प्रसन्न का लेखक कौन था, तो ये महेंद्र वर्मन की किताब थी, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन भारत और उनकी अवस्थितियों के युगम को सही सम्मिलित इसमें बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो बता दीजिए ये 80 मलस, ठीक है, मलसी है, तो ये कोंकण में नहीं पड़ता था, ठीक है, ठीक है। तो ये कोंकण हमारा, यह बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये मसलिस मसली है, ये कोंकण में नहीं पड़ता था, बाकी तीनों सही सम्मिलित हैं। अर्कामेडू ये कोरोमंडल तट पर पड़ता था, और नील सिंध, ठीक है, ये मालाबार में, बट ये गलत है, और कोरके तो ये पांडव देश में पड़ता था, ठीक है। आगे देखिए 38वां नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन पतन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर थे, तो बताइए तो ये कौन कौन से थे दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, तो एक तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मुसरी और टोंडी, ठीक है, मुसरी और टोंडी ये दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर थे, ठीक है। यानी कि पतन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से थे, तो ये मुसरी और टोंडी, ठीक है, ये पश्चिमी तट पर थे। आगे देखिए पट्टिन थे, ठीक है, तो पट्टिन में कौन थे, तो ये बंदरगाह शहर थे, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए इदंगाई, ठीक है, इदंगाई और बलंगाई कौन थे, तो ये सामाजिक वर्ग थे, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे देखिए तीसरे शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो किसके लिए था, तो ये लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समाचार्य थे, तो ये थे, बताइए कौन थे, ठीक है, तो बताइए कौन थे, तो ये थे मणिक्कावाचार, ठीक है, मणिक्कावाचकर और ये संबंधरम, ठीक है, अजीब नाम है, दूसरा तीसरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए दूसरा तीसरा, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन था प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो ये मणिग्रामम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए ये राजधानियाँ हैं जो यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछ ली जाती हैं, तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। देखिए तो हर्ष की राजधानी थी कन्नौज में, यानी कि सी का दूसरा, ठीक है, सी का दूसरा, और पांडे, ठीक है, पांडे की राजधानी क्या थी, तो पांडे थे मदुरई में, डी का पहला, ठीक है, सी का दूसरा, डी का पहला, और आगे चलते पल्लव थे कांचीपुरम में, यानी कि बी का चौथा, और चालुक्य की थी बदामी, यानी कि तीसरा, यानी कि 3421 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आगे देखिए पांडे की जीवन रेखा थी, तो ये बेंगी नदी थी। आगे देखिए, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो किस वर्ष में होगा, तो ये 601 में होगा, ठीक है। आगे देखिए कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस में हुआ है, ठीक है, तो कवि कालिदास का नाम अहोल अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए अहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से बिलोंग करता है। आगे देखिए संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष
556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा, तो ये 634। स्टूडेंट आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टूडेंट तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर विजयनगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो ये बताना है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। स्टूडेंट्स राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। स्टूडेंट्स आगे देखिए चोल शासक का नाम, उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो ये राजराज प्रथम था। स्टूडेंट्स आगे देखिए 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, तो विजयालय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किस चोल राजा के पास जल सेना आरंभ की थी, तो ये राजराज प्रथम ने जल सेना यानी नेवी का स्टार्ट की थी। आगे देखिए चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन थी, तो ये नटराज। ठीक है, ये शिव की मूर्ति थी जो नृत्य मुद्रा में थी। ठीक है, चोल युग में प्रसिद्ध था निम्न ग्रामीण समय। ठीक है, चोल युग में सबसे ज़्यादा ग्रामीण समय प्रसिद्ध थी। आगे देखिए कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार का निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मर्जी योग तुंग बर्मन के साथ सहयोग किया था, तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस वगैरह हो सकती है, उसे आप अवॉइड करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए चोल काल में पेरुबली किसे निरूपित करते थे, तो ये मुख्य मार्ग थे पेलुबरी। ठीक है, आगे देखिए चोल काल में खुर्रम क्या थे, तो ये मंदिर निर्माण की शैली थी। ठीक है, आगे देखिए चोल राज में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए, तो बताइए चोल राज्य में कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, इनको सही कालाक्रम में अरेंज करना है तो बताइए। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले होता था बलनाडु, फिर होता था कोट्टम, फिर और। ठीक है, 312। ठीक है, 312 है कहीं, 312 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, ये राजराज प्रथम ने बनाया था, कई बार UPSC से पूछा हुआ है। मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा पुस्तक किस विषय पर संबंधित है, तो ये हिंदू कानून पर। ठीक है, आगे देखिए मंडलम बलनाडु नाडु किस राज्य से संबंधित है, तो ये चोल राज है। ठीक है, आगे देखिए प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो बताइए चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो बताइए क्यों समझा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली होना। ठीक है, नाना जैसी क्या थे, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा, तो ये व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारियों की एक श्रेणी को नाना जैसी कहा जाता था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, तो ये कैलाशनाथ का मंदिर, इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए बैसरी विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना के आरंभ किए गए बौद्ध विहारों का निर्माण कार्य पूरा किया, तो वह कौन था, तो ये था मारबिजो त्युंग बर्मन। ठीक है, मारबिजो त्युंग बर्मन। आगे देखिए किसके शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी बनाया गया, तो ये राजेंद्र ने बनाया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस चोल राजा की या फिर शासक की उपाधि पंडित चोल थी, तो ये राजेंद्र प्रथम की थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या को क्रूर भीड़ ने या फिर उग्र भीड़ ने कर दी थी, तो ये था अधिराजेंद्र। ठीक है, अधिराजेंद्र। आगे देखें निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंबात में एक मस्जिद जीर्णोद्धार के लिए अपनी कोष से 1,00,000 रुपये बल्होत्रा का अनुदान दिया था, तो ये था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो खंबात में मस्जिद थी, ठीक है, वो टूट फूट गई थी, तो उसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन या फिर दोबारा से पुनर्निर्माण कराने के लिए 1,00,000 रुपये उसने अपने जेब से दिए थे या फिर अपने घर से दिए थे या फिर अपनी तिजोरी से दिए थे, तो वो था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए चोल काल में, ठीक है, चोल काल में राशि या फिर दान के रूप में संग्रह किए जाने वाली भूमि राजस्व को किस में मापते थे, तो ये कलम में मापते थे। ठीक है, आगे देखिए चोल, ठीक है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, उस टाइम मतदान वगैरह कुछ नहीं होता था। आगे देखिए बतापी किसकी राजधानी थी, तो चालुक्यों की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चोड़ी, ठीक है, छठी और 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत
दक्षिण भारत का राज्य और उनकी राजधानियाँ से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये चेर की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी, ठीक है। कांची की पल्लव की कांचीपुरम, पांडे के मदुरै, चेर की पुदुचेरी नहीं थी, चोल की तंजौर, ठीक है। होयसला द्वार समुद्र, ठीक है। आगे देखिए, गांव गांव के शासन में स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने वाली व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये द्रविड़ों ने किया था, ठीक है। आगे चलिए 80 नंबर देखिए, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? तो ये रथ वगैरह का कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, क्योंकि उनके पास नेवी थी और नेवी रथ पर थोड़ी चलती है। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? तो ये चालुक्यों की थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया था? तो ये कुलोत्तुंग शेकिड़े ने किया था, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है रामानुज किससे बिलोंग करते थे, तो इनका था विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशिष्टाद्वैतवाद। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र का था? तो बताइए किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? तो ये थी विक्रम चोल की, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, पूरी रामशरण शर्मा की बुक MCQ फॉर्म में कराऊंगा। लगभग 1500 क्वेश्चन थे और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। जो भी एक एक क्वेश्चन PCS लेवल का है, ठीक है। उत्तराखंड PCS है, MP PCS, उत्तर प्रदेश PCS, ठीक है। आगे देखिए, चोल शासन के अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग होता था? तो बताइए किन किन प्रक्रियाओं का प्रयोग होता था? तो ये होता था, ठीक है। तो बताइए किन किन प्रक्रियाओं का? सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, ठीक है। उम्मीदवारों का मनोनयन, ठीक है, ये गलत है। उम्मीदवारों का मनोनयन ऐसा कुछ नहीं होता। तो 1 2 3 4 हमारा 1 2 3 आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, 85 नंबर क्या कहता है, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। सिंपल वे में ये समझ लीजिए, ये पूछने की कोशिश कर रहा है तिंजौर मंदिर का निर्माण, ठीक है। तिंजौर में बद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो कैलाशनाथ के मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, बैसरी विजय शासक जितने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार का निर्माण को कार्य पूरा कराया था? तो ये था मार विजय तुंग बर्मन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। आगे देखिए, किसके शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनाई गई? तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तो आगे देखिए, चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या एक उग्र भेंट ने कर दी थी? तो ये अधिराज राजेंद्र की, ठीक है। आगे देखिए, 2 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है। रिपीट कुछ नहीं हुए, ये एग्जाम में जैसे पूछे हैं, ठीक है। ये MP PCS, उत्तर प्रदेश PCS, SSC, MTS वगैरह में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था? तो हाथी का इनसे कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो ये गणतांत्रिक जनजाति थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गंगईकोंड विरुद्ध के सम्मानित था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंगईकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? तो ये था राजेंद्र प्रथम, ठीक है। आगे देखिए, चोल देशों में वीर पंतरों का तात्पर्य क्या था? तो ये था वीर बलजूस व्यापारियों की बस्तियाँ, ठीक है। वीर पत्तनों से क्या तात्पर्य था? तो ये था वीर बलजू व्यापारियों की बस्तियां थी, ये ठीक है। आगे देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन था शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन दरबित विरुद्ध से सम्मानित किया गया था? तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था? तो ये कोकिल विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चोल राजा नहीं था। आगे देखिए, किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? ये चालुक्य को करते थे, ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत कवि दंडित किसकी भाषा को अलंकृत करते थे? ये पल्लव को, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखना, ये दंडित थे तो ये पल्लवों के दरबार में थे, पल्लवों की सभा में भाग वगैरह लेते थे। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? तो ये थी नरसिंह वर्मन सेकंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, 101 नंबर क्या कहता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से नहीं है? तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, इसका संबंध चोलों से है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है चोलों से संबंधित है, तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा। आगे देखिए,
चोल राजाओं में स्नानागार और भोजनालय का प्रबंधन कौन देखता था? ये स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। ठीक फ्रेंड्स, चोल राजाओं में नहाने वगैरह का और जो भोजनालय वगैरह हुआ ठीक फ्रेंड्स, तो इनका काम स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? तो ये चालुक्य ठीक फ्रेंड्स, चालुक्य। ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि चालुक्य के अंतर्गत महिलाओं की अधिक भागीदारी थी और चालुक्य ही महिलाओं को A1 क्वालिटी के उच्च पद देते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो सिंपल वे में आइए। ठीक फ्रेंड्स, तो चले, राजराज ने क्या बनवाया था? ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में देखिए। ठीक फ्रेंड्स, लोक महादेवी मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने बनवाया था भड़क्कल का वीरपाक्ष मंदिर। आगे देखिए नरसिंह बर्मन। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, नरसिंह बर्मन किसे बिलोंग करते थे? तो ये करते थे द्रौपदी सर से। राजराज जाएंगे कहाँ पर? ठीक फ्रेंड्स, राजराज ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और राज सिंह पल्लव ने बनवाया था भट्टल भट्ट एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, तो ये महादेवी ठीक फ्रेंड, लोक महादेवी, तो ये भटकल का वीरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, और ये नरसिंह बर्मन ठीक फ्रेंड्स, तो ये जाएंगे द्रौपदी रथ। ठीक फ्रेंड्स, राजराज, तो ये जाएंगे इसके पास, और राज सिंह पल्लव, पल्लव थे कांची में। ठीक फ्रेंड्स, कांची के, तो ये हो जाएगा 3142। ठीक फ्रेंड्स, 3142, 3142। ठीक फ्रेंड्स, 3142, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कथन कारण वाला है, तो चलिए देखते हैं कथन कारण क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र के चूड़ामणि बिहार को प्रदत्त ग्राम से कर मुक्त कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे कारण क्या कहता है? कारण ये कहता है कि कुलोत्तुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बी ऑप्शन नंबर पे है। ठीक फ्रेंड्स, व्याख्या नहीं हो रही है, यहाँ पर दोनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बै यानी कि बी। ठीक फ्रेंड्स, ए आर दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं हो रही है। आगे देखिए 106 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दलों के लिए था? तो ये था भ्रत का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 107 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये किस लिए कराया था? तो ये कराया था सरकार के राजस्व के विभाग को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, कर को परमानेंट सेटलमेंट बनाने के लिए। आगे देखिए चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य से लिए जाते थे? तो ये थे सलभोग। ठीक फ्रेंड्स, सलभोग कौन सा था? तो ये शिक्षा संस्थानों से लिया जाता होगा। आगे देखिए इनमें से ठीक फ्रेंड्स, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथी का निर्माण कराया था? ये पल्लवों ने बनवाया था ब्लैक पगोड़ा का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, तो ये नटराज की है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं पर उत्खनित मंदिर निर्माण करके चित्रकारी, ठीक फ्रेंड्स, ये चित्रकारी लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स, प्रिंटिंग मिस्टेक है, चित्रकारी के विरुद्ध धारण किया। ठीक फ्रेंड्स, चित्रकारी विरुद्ध विरुद्ध धारण किया था, तो ये था नरसिंह बर्मन प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए द्रविड़ मंदिर के स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो ये गोपुरम। ठीक फ्रेंड्स, और गोपुरम क्या होते थे? आपने दक्षिण भारत की जो भी फिल्में वगैरह देखी होंगी, ठीक फ्रेंड्स, बॉलीवुड की फिल्में वगैरह देखी होंगी, तो जब भी दक्षिण भारत के मंदिर दिखाए जाते थे ना, तो वो ऐसे बिल्डिंग दर बिल्डिंग, ठीक फ्रेंड्स, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ठीक फ्रेंड्स, 7-8 मंजिला का जो मंदिर होता है, ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे मान लो बिल्डिंग है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा ये मंदिर है, ठीक फ्रेंड्स, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग दिखाई होगी, तो उसी को गोपुरम कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये सब डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है और ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए चोल प्रशासन के राज्य में भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों के सही घटनाक्रम लगाइए। तो ये था पहले मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए प्रसिद्ध नाटक मित विलास प्रसन्न का लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वन बर्मन प्रथम था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए पल्लव के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर बताइए कौन पल्लवों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए देख लीजिए तंजावुर में उसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, 115 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर किसी को एक बार में समझना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पार्ट नंबर 10 था हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जो आने वाली वीडियो होगी तो उसमें हम पार्ट नंबर 11 देखेंगे फ्रेंड्स, और 11वें पार्ट में भी हम क्या देखेंगे, मौर्य काल को फ्रेंड्स, मौर्य युग को देखेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।